इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा का हाइट एंड डिस्टेंस पर आधारित प्रश्न। तो चलिए हम देखते हैं ये जो हाइट एंड डिस्टेंस, ये हमारा क्लास 10th का मैथ है जो डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 9.1 है, जिसमें हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन करने वाले हैं 36 से लेकर के 40 तक। तो चलिए शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का जो एक्सरसाइज 9.1 डॉक्टर केसी सिन्हा का है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है तो तार के पेड़ की छाया 12 मीटर से कम हो जाती है, तार की पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, जब सूर्य की ऊंचाई नहीं हो करके यहाँ उन्नयन कोण होना चाहिए था। उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है तो तार की पेड़ की छाया 12 मीटर कम हो जाती है, तार की पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिगर बना लेते हैं क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के लिए फिगर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यदि अगर फिगर बना लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले हम जमीन बना लेते हैं, क्योंकि जमीन होगा तभी तार का पेड़ होगा। तो हम एक जमीन बना लिए और इस पर ये एक तार का पेड़ है, इस पर ये एक तार का पेड़ है। कहता है जब सूर्य की ऊंचाई नहीं उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है, अर्थात मान लीजिए जब हम यहाँ से देख रहे हैं तब इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, वो 30 डिग्री है। कुछ देर के बाद जब यहाँ से यहाँ आते हैं तो ये 45 डिग्री हो जाता है। फिर कहता है तो तार के पेड़ की छाया 12 मीटर कम हो जाता है, अर्थात पहले यहाँ तो यहाँ से जब यहाँ चले गए तो ये 12 मीटर कम हो गया, 12 मीटर ये कम हो जाता है। तो तार की पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, हम यहाँ मान लेते हैं कि तार की पेड़ की जो ऊंचाई है वो h है। तो माना तार के पेड़ की ऊंचाई बराबर h, हम मान लिए कि जो तार की पेड़ की ऊंचाई है वो h है। अच्छा, यहाँ हमारा जो फिगर है इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। अब इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ए बी डी और दूसरा बन रहा है ए सी डी। यहाँ दो समकोण त्रिभुज है, ए बी डी ए सी डी, दो समकोण त्रिभुज है। अच्छा, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है बी सी, हमें बी सी मिल गया 12, बी सी दे रहा है 12 मीटर, बी सी 12 मीटर है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बी डी है, बी डी तो बी डी बराबर हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, ये बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी, हम दोनों को जोड़ देंगे तो बी डी मिल जाएगा। तो अब बी सी का जो मान है 12 और प्लस ये सी डी, सी डी है तो यहाँ हम इसको सी डी रहने दीजिए। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, एक ए बी डी, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी डी से चलते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से जहाँ थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है, यहाँ लिखेंगे हम 30 डिग्री। अच्छा, हमें इसमें आधार और लंब का उपयोग करना है, आधार और लंब का, तो लंब और आधार ये टैन थीटा में आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब ये टैन है तो टैन रहेगा,
थीटा का मान 30 डिग्री है तो 30 डिग्री बराबर लंब, इसका जो लंब हो गया ये एच हो गया, तो हम एच लिखेंगे बटा आधार, ये आधार यहाँ से यहाँ तक बी डी है तो बी डी, बी डी बराबर आया 12 जोड़ सी डी, यहाँ लिखेंगे 12 जोड़ सी डी, 12 जोड़ सी डी हो गया। अब टेन 30, तो टेन 30 का जो मान होता है, टेन 30 का मान वो 1/√3 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है बराबर एच बटा 12 जोड़ सी डी। अब हम इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं, जब 12 जोड़ सी डी से हम एक में गुना करेंगे ये 12 जोड़ सी डी रह जाएगा बराबर रूट तीन से एच में, तो ये रूट तीन एच हो जाएगा। अब यहां से सी डी बराबर रूट तीन एच, अभी प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस, ये हमारा समीकरण एक हो गया। हम यहाँ से सी डी का मान निकाल लिए हैं। अच्छा अब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी से, इसमें थीटा का जो मान है वो 45 है, तो हम लोग लिखेंगे 45। यहाँ भी हम लोग आधार और लंब का ही उपयोग करेंगे, तो इसके लिए हमें टेन थीटा का ही उपयोग करना होगा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो टेन है तो टेन थीटा, थीटा का मान 45, तो 45 बराबर लंब, इसका लंब भी एच है तो एच बटा आधार, इसका आधार सी डी है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सी डी। अब टेन 45 का मान एक होता है तो एक बराबर एच बटा सी डी, अब इसको यदि क्रॉस गुना कर लेंगे तो सी डी बराबर हमें मिलेगा एच, और ये हमारा समीकरण दो हो गया। अब यदि हम समीकरण एक और दो को यदि तुलना करेंगे तो देखेंगे कि दोनों का एल एच एस बराबर है, जब दोनों का एल एच एस बराबर है इसका मतलब है कि दोनों का आर एच एस भी बराबर होगा, तो लिखेंगे समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से तो सब दोनों का एल एच एस बराबर है, तो यहाँ हम लोग रूट तीन एच माइनस 12 बराबर एच, चूंकि दोनों का एल एच एस बराबर तो दोनों का आर एच एस भी बराबर होगा, तो ये रूट तीन एच, अभी प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस, और ये माइनस जब इसका आर एच एस लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, दोनों में एच है एच कॉमन कर लेते हैं तो रूट तीन माइनस एक बराबर 12 हो जाएगा। अब यहाँ से एच बराबर 12 बटा रूट तीन माइनस एक हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो इसके लिए 12 बटा ये रूट तीन माइनस एक गुना रूट तीन जोड़ एक बटा रूट तीन जोड़ एक हो जाएगा, ये 12 गुना ये रूट तीन जोड़ एक बटा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो रूट तीन का स्क्वायर तो तीन हो जाएगा माइनस एक का स्क्वायर एक, अर्थात ये हो जाएगा 12 रूट तीन जोड़ एक बटा तीन से एक गया दो, ये दो छक 12 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुना रूट तीन का जो मान होता है वो 1.732 जोड़ एक है तो एक बराबर 6 गुना एक और एक 2.732 हो जाएगा 732। अब इसको गुना कर देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 × 12 के 0 हासिल 1, 6 × 3 = 18 के 9 हासिल 1, 7 × 6 = 42 और 1 × 43 के 3 हासिल 4, 6 × 12 = 4 = 16 अर्थात ये 16.390 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 का दो, क्वेश्चन नंबर 36 का दो कहता है एक लंबा पेड़ नदी के किनारे ऊर्ध्वाध खड़ा है, एक नदी है, चलिए हमें एक नदी बना ली, और कोई पेड़ है जो नदी के किनारे ये ऊर्ध्वाध यहाँ खड़ा है। फिर कहता है पेड़ के ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे पर, ये जो पेड़ है ठीक इसके सामने नदी के दूसरे किनारे पर एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, पेड़ के शिखर, ये पेड़ के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, उसी किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे, इसी किनारे पर 20 मीटर पीछे
20 मीटर पीछे एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब कहता है कि यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। फिर कहता है नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें इस नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं ताकि हमें आसानी होगा। तो ये ए बी सी डी। अब हम देख रहे हैं इसमें कि दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ए बी डी और एक ए सी डी, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब हम मान लेते हैं कि जो पेड़ है इसका ऊंचाई h है और जो नदी की चौड़ाई है वो x है। हम मान लिए कि पेड़ की ऊंचाई x और नदी की चौड़ाई x है। तो माना पेड़ की ऊंचाई बराबर x, सॉरी पेड़ की ऊंचाई हम h माने, पेड़ की ऊंचाई h और नदी की चौड़ाई बराबर x, नदी की जो चौड़ाई है हम उसे x माने। तो अब हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक ये यहां से 20 है और ये x है, तो टोटल हो जाएगा 20 जोड़ x, 20 और x, टोटल 20 जोड़ x हो जाएगा और ये h हो जाएगा। तो हम यहाँ समकोण त्रिभुज पहले ए बी डी से चलते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी से, समकोण त्रिभुज ए बी डी से, जहाँ थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री, थीटा का मान 30 है तो 30 लिखेंगे। अच्छा, इसका जो ऊंचाई है वो h है अर्थात AD, AD बराबर h है और इसका जो आधार है BD, इसका आधार BD है जो दिया है 20 जोड़ x, इसका आधार BD है जो दिया 20 जोड़ x। तो यहाँ भी हमें ये आधार और लंब का ही उपयोग करना है। तो हम जानते हैं कि लंब और आधार का जो उपयोग होता है या तो tan में होगा या फिर cot में, तो या तो हम tan का उपयोग करेंगे या फिर cot का, तो दोनों में से किसी एक का उपयोग करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम tan का उपयोग करते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ tan और थीटा का मान यहाँ से 30 डिग्री है, तो 30 बराबर लंब, ये जो लंब है वो AD है, लंब AD बटा आधार इसका BD है, यहाँ हम लिखेंगे BD बराबर tan 30 का मान 1/√3, तो 1/√3 और ये AD का जो मान है वो h बटा BD, 20 जोड़ x है, तो ये हम 20 जोड़ x लिखेंगे। अब इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 20 जोड़ x बराबर √3h। यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, यदि x का मान निकाल लेते हैं या फिर हम लोग यहाँ इसको समीकरण एक रहने देते हैं। चलिए हम इसको मान लेते हैं समीकरण एक, इसे हम समीकरण एक मान लिए। अब समकोण त्रिभुज ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी से जहाँ थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है, यहाँ हम 60 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ से भी इसका जो आधार है CD वो x है, CD बराबर x और इसका जो ऊंचाई है वो h है, AD बराबर h, AD बराबर h। तो यहाँ से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan, अब थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री, तो 60 लिखेंगे बराबर लंब, लंब जो इसका है वो h है, तो यहाँ हम लिखेंगे h बटा आधार, इसका जो आधार AD है वो CD है जो x है, x लिखेंगे। अब tan 60 का मान √3 होता है बराबर h बटा x। अब यदि हम इसको क्या करें, क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो यहाँ से h बराबर हमको √3x मिलेगा, क्रॉस गुना कर दिए, h बराबर √3x, इसे हम कह देते हैं समीकरण दो।
हम इसे समीकरण दो मान लिए। अब हम क्या करते हैं, इस एच के मान को समीकरण एक में रख देंगे। तो लिखते हैं एच का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो समीकरण एक है 20 जोड़ x बराबर रूट तीन एच, तो 20 जोड़ x बराबर रूट तीन गुना h, h का मान यहाँ से रूट तीन एक्स हो जाएगा। अब ये 20 जोड़ x बराबर रूट तीन से रूट तीन में, तो तीन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 20 बराबर तीन एक्स, अभी प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस, तीन से एक गया तो दो एक्स बराबर हो जाएगा 20, तो x बराबर हो जाएगा 20 बटा दो, कट जाएगा तो मिलेगा 10। हमें x का मान मिल गया है 10। अब हमें चाहिए इस पेड़ की ऊंचाई, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस x के मान को हम समीकरण या तो एक में रखेंगे या फिर समीकरण दो में रखेंगे। तो दो थोड़ा आसान है, हम इसी में रख देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, तो h बराबर रूट तीन एक्स, तो रूट तीन गुना x का मान 10, ये हो जाएगा 10 रूट तीन मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, अर्थात यहाँ x जो नदी की चौड़ाई हो गया वो 10 मीटर हो गया, और जो पेड़ की ऊंचाई हो गया वो 10 रूट तीन मीटर हो गया। तो ये था हमारा आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। कहता है एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण 30 और 40 डिग्री है, 30 और 40 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। यहाँ हमें इसका एक फिगर भी दिया गया है। तो ये पी और क्यू है, जो यहाँ से किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसका जो अवनमन कोण है, कहा कि नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण 30 और 45 है। ये अवनमन कोण 30 और 45 है, तो हम जानते हैं कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो यदि ये 30 है तो यह भी 30 होगा, और ये 45 है तो यह भी 45 होगा। फिर कहा कि यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ये 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। हमें इस नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, ये नदी कितनी चौड़ी है। तो इसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें दो त्रिभुज मिल रहा है, दो समकोण त्रिभुज, एक पी क्यू आर और एक पी एस आर, दो त्रिभुज मिल रहा है, और दोनों समकोण त्रिभुज में हमें थीटा का मान यहाँ ज्ञात है, और ये हमारा ऊंचाई ज्ञात है। यदि हम दोनों का आधार निकाल लें, दोनों समकोण त्रिभुज का आधार निकाल लें और दोनों को जोड़ दें, तो फिर हमारा आंसर पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर से, त्रिभुज पी क्यू आर से, जहाँ थीटा का मान है 30, यहाँ लिखेंगे 30। तो यहाँ हमें चूंकि लंब और आधार का उपयोग करना है, और यहाँ हमें पी आर दिया है 3 मीटर, पी आर दिया है 3 मीटर, तो टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो टैन, और थीटा का मान 30 है, तो 30 बराबर लंब, लंब जो दिया है वो 3 मीटर है, तो 3 लिखेंगे बटा आधार, हमें ज्ञात नहीं है क्यू आर, इसको हम क्यू आर ही रहने दें। अब टैन 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, और 3/QR, अब इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, ये QR बराबर 3√3 मीटर, हम इसको समीकरण एक मान लेते हैं। अब हम लोग इसी प्रकार त्रिभुज PSR से, त्रिभुज
टी एस आर से, जहाँ थीटा का जो मान है वो 45 है, तो लिखेंगे 45 डिग्री। और फिर यहाँ से टेन थीटा बराबर लम बटा आधार, तो टेन थीटा का मान 45 बराबर लम तीन है, तो तीन बटा आधार आर एस है, तो यहाँ आर एस लिखेंगे। अब टेन 45 का जो मान होता है वो एक होता है, और एक बराबर तीन बटा आर एस, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो आर एस बराबर हो जाएगा तीन, और ये हमारा समीकरण दो हो गया। अब हमें चूंकि अब क्यू आर और आर एस मिल गया है और हमें चाहिए क्यू एस, तो इसीलिए क्यू एस बराबर हम लिख सकते हैं क्यू आर प्लस आर एस। अब क्यू आर का जो मान है वो तीन रूट तीन है, जो आर एस का मान तीन है। अब ये तीन गुना 1.732 जो तीन गुना कर देते हैं, तीन दुना छ, तीन तिहाई नौ, सात त्रि इक्कीस के एक हासिल दो, तीन दो पाँच जो तीन, तो पाँच और तीन 8.196 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया जो नदी की चौड़ाई है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर नहीं, अभी ये 37 का ही अब एक और क्वेश्चन है, ये दो 37 का दो है। कहता है एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा सा द्वीप है। ये 100 मीटर चौड़ी कोई नदी है, इसके बीच में मध्य में कोई एक छोटा सा ये द्वीप है। द्वीप के एक लंबा पेड़ है, इस पर एक लंबा सा कोई टी आर पेड़ है। पी और क्यू दो बिंदु नदी के दोनों किनारे पर ठीक आमने सामने मिलते हैं। पी और क्यू कहाँ, पी और क्यू दो बिंदु है नदी के दोनों किनारे, अर्थात यहाँ ये पी है तो ये क्यू है, ये पी है तो क्यू है। फिर कहता है आमने सामने है और पेड़ से इन बिंदुओं के सीध में है, सीध में है। यदि पी और क्यू पेड़ के उन्नयन कोण 30 और 45 है, यहाँ का जो उन्नयन कोण है वो 30 है और ये 45 है, इन दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई, हमें इस पेड़ की ऊंचाई पता करना है, तो पी क्यू आर इसे एस कह देते हैं, ये हमारा एस है। तो यहाँ हमें नदी की चौड़ाई दिया गया है और कहता है कि नदी के मध्य बीच में कोई टापू है जिस पर एक पेड़ है, हमें उस पेड़ की ऊंचाई पता करना है। तो हम इस पेड़ की ऊंचाई को h मान लेते हैं, हम मान लें कि इस पेड़ की जो ऊंचाई है वो h है। अच्छा, दूसरी बात कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 100 दिया है, तो हम यह मान लें कि यहाँ से यहाँ तक यदि x है, यहाँ से यहाँ तक यदि x है, तो फिर r और q का लंबाई क्या हो जाएगा, यह 100 माइनस एक्स हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम मान लिए कि ये लंबाई एक्स है, ये पूरा ये आर क्यू कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा 100 है, 100 में से एक्स घटा लेंगे तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा। और हमें यहाँ त्रिभुज दो मिल रहा है, एक एस पी आर और एस क्यू आर, दो त्रिभुज मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज एस पी आर से, एस पी आर से, जहाँ थीटा बराबर हमें दे रहा है 30 डिग्री, थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री दे रहा है। अच्छा, इसका जो एस आर बराबर एच, एस आर बराबर एच और पी आर बराबर एक्स हम लोग माने हैं, पी आर बराबर एक्स हम लोग ये मान लिए। तो यहाँ भी हमें ये लंब और आधार का ही उपयोग करना है, लंब एच और आधार का उपयोग करना है, तो इसके लिए भी हम लोग टेन थीटा का ही उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब ये टेन थीटा का मान 30 है, तो 30 बराबर लंब, लंब एच है एस आर, यहाँ हम लोग एक्स
एच माने हैं तो एच बटा आधार पी आर है तो एक्स है, तो यहाँ हम एक्स लिखेंगे। अब टेन तीस का जो मान होता है वो एक बटा रूट तीन होता है, एच बटा एक्स, इसको जब हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो एक्स बराबर रूट तीन एच, ये समीकरण एच हो गया, एक हो गया। एक्स से एक में गुना करेंगे तो एक्स, और रूट तीन से एच में तो रूट तीन एच हो जाएगा। अब पुनः पुनः त्रिभुज एस क्यू आर से, एस क्यू आर से जहाँ थीटा का जो मान है वो 45 है, थीटा बराबर 45 है, एस आर बराबर एच है, एस आर बराबर एच, और आर क्यू, आर क्यू बराबर 100 माइनस एक्स है। तो यहाँ भी हम लोग टेन थीटा का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमें ये लंब और ये आधार का ही उपयोग करना है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब ये टेन थीटा का मान 45 है तो 45 बराबर लंब जो एस आर है, तो एस आर बटा आधार, आधार 100 माइनस एक्स, यहाँ लिखेंगे 100 माइनस एक्स। अब टेन 45 का जो मान होता है वो एक होता है, एस आर बटा 100 माइनस एक्स, इसको जब हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये 100 माइनस, सॉरी एस आर का मान एच है, हमें ज्ञात है, यहाँ हम लोग एस आर का जो मान है वो एच रख लेते हैं, एच हमें पता है एस आर का मान एच, तो अब जब क्रॉस गुना कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ये एच बराबर 100 माइनस एक्स, क्रॉस गुना कर लिए, या यदि हम बट्टा में एक मान लें, एक से एच में तो एच और एक से 100 में तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ हमें एक्स बराबर रूट तीन एच पता है, यहाँ जो है एक्स का मान हमें रूट तीन एच पता है, तो हम क्या करते हैं इस एक्स का जो मान है वो समीकरण इसमें रख दे, दो में लिखेंगे एक्स का मान, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर तो ए एच बराबर 100 माइनस एक्स की जगह लिखेंगे रूट तीन एच। अब एच को एक तरफ, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर 100 हो, सॉरी माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब एच इसमें भी, एच इसमें भी, एच कॉमन कर देते हैं तो 1 प्लस रूट थ्री इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से एच बराबर 100 बटा एक जो रूट तीन हो जाएगा, तो एच बराबर ये 100 बटा एक जोड़ रूट तीन का 1.732 होता है, ये अभी हो जाएगा 100 बटा एक और 2.732, दशमलव के बाद तीन अंक, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1, 2, 3 अंक हो जाएगा, अर्थात ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1,05,000 बटा 2732, जब इसको भाग देंगे तो 36.6 मीटर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एक 30 मीटर लंबी मूर्ति 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर खड़ी है, कहता है कि एक 30 मीटर लंबी मूर्ति, एक 30 मीटर लंबी मूर्ति है जो 15 मीटर ऊंची स्तंभ पर खड़ी है, यह 15 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है जिस पर यह खड़ी है, मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से 15√3 मीटर दूर स्थित बिंदु, यहां से कहता है कि 15√3 मीटर स्थित बिंदु पर निर्मित कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। हमको ये पता करना है कि यहाँ थीटा का मान कितना होगा, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये 30 है और ये 15 है, ये टोटल हो जाएगा 30 जोड़ 15 बराबर 45, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब आधार के टेन थीटा का उपयोग करते हैं। तो त्रिभुज पी आर क्यू से, पी आर क्यू से जहाँ थीटा बराबर हमें ज्ञात नहीं है,
और लंब पी क्यू का जो मान दिया है वो है 45 और आर क्यू बराबर दिया है 15√3। तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधा, अब ये टैन है तो टैन टैन थीटा, क्योंकि थीटा हमको ज्ञात नहीं है, लंब लंब इसका दिया है पी क्यू, पी क्यू का मान 45 बटा आधार 15√3, तो 15√3 15 या 45 ये कट जाएगा तो √3 हो जाएगा, तो टैन थीटा बराबर √3। तो यहाँ से हम जानते हैं ये टैन थीटा बराबर टैन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है, टैन से टैन कट जाएगा तो थीटा बराबर 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। कहता है एक सीढ़ी एक भवन से लगी और सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरी तरफ भवन से लगा दिया जाता है। इस स्थिति में सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 45 हो जाता है। यदि सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर हो तो गली की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें गली की चौड़ाई याद करना है, तो सबसे पहले फिगर को समझेंगे फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो कहता है एक सीढ़ी एक भवन से लगी है और सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए मान लीजिए कि यहाँ एक दीवार है और ये हमारा एक सीढ़ी है जो दीवार से लगी है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहता है सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे तरफ भवन से लगा दिया गया। इसी सीढ़ी को क्या किया गया कि ऐसे लगा दिया गया, इधर दूसरी तरफ लगा दिया गया। इस स्थिति में सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 45 हो जाता है। ये जो उन्नयन कोण है यह 45 डिग्री हो जाता है। यदि सीढ़ी की लंबाई 26 है, ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई 26 है, यह भी 26 होगा, तो गली की चौड़ाई ज्ञात करें। हमें यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कहा है कि एक सीढ़ी एक भवन से लगी है और सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे तरफ भवन से लगा दिया जाता है, मतलब इधर लगा था इसको उधर लगा दिया गया। इस स्थिति में सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 45 हो जाता है। यदि सीढ़ी की लंबाई 26 हो तो गली की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें गली की चौड़ाई ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक। तो मान लीजिए ये त्रिभुज ये टी आर एस और ये पी आर एस दो त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज है। हमें यहाँ कर्ण पता है और आधार ज्ञात करना है, क्योंकि ये आधार है, ये अभी इसके लिए आधार है। यदि हमको दोनों का आधार पता चल जाए तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें गली की चौड़ाई पता चल जाएगा। तो त्रिभुज टी आर एस से जहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री और टी आर 26 और ये एस आर हमें ज्ञात नहीं है बराबर वाट। तो यहाँ भी क्योंकि अब हमें कर्ण और आधार का उपयोग करना है तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो ये कॉस थीटा का मान 60 है, आधार हमको एस आर जो ज्ञात नहीं है और कर्ण जो 26 है। अब कॉस 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, एस आर बटा 26 कट जाएगा 13 × 26, तो एस आर बराबर हो जाएगा 13, 13 से 1 में 13 और एस आर से 3 हो जाएगा 13, हमें एस आर मिल गया। इसी प्रकार अब त्रिभुज पी आर क्यू से पी आर क्यू से जहाँ थीटा बराबर 45, तो यहाँ भी हमें कर्ण और आधार का ही उपयोग करना है। तो कर्ण और आधार कॉस में आता है तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो कॉस
थीटा का मान 45, आधार में ज्ञात नहीं जो आर क्यू है, तो आर क्यू बटा कर्ण 26 है। अब कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, आर क्यू बटा 26, क्रॉस गुना कर लेंगे इसको तो आर एस बराबर हमको मिल जाएगा 26/√2, 26/√2, और जब इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 13 × 2 लिख सकते हैं, √2 26 को, और 2 से काट देंगे तो ये √2, अर्थात ये 13√2, 13√2 हो जाएगा। इसीलिए एस क्यू बराबर एस आर प्लस आर क्यू। अब एस आर का जो मान है यहाँ 13 दिया है, एस आर का मान 13 और आर क्यू का जो मान दिया वो 13√2, क्या लिखेंगे 13√2, 13√2 हो जाएगा। अब 13 है तो 13 जोड़ 13 गुना √2 का मान 1.414 होता है, 13 जोड़ गुना कर लेते हैं, 13 × 52 = 2 हासिल 5, 13 × 5 = 18 हासिल 1, 52 + 1 = 53 ये 3 हासिल 5, 13 × 5 = 18 जोड़ लेंगे 8 × 3 = 11 31.382 मीटर। ये हो गया हमारा गली की चौड़ाई, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 कहता है समान ऊंचाई के 2 स्तंभ 64 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की समान ऊंचाई के जितना TS है उतना ही PQ है, दोनों 64 मीटर की दूरी पर है। रेखा की कहता है उनके पाद को मिलाने वाली रेखा कि किसी बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 है। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है जहाँ से इसका उन्नयन कोण ये 30 है और ये 60 है, तो फिर कहता है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें, हमें इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है और दोनों स्तंभ समान है, मतलब ये h है तो यह भी h है। अच्छा ये दोनों 64 है, ये sr यदि हम इसको x मान लें, यहाँ से यहाँ x मान लें तो ये हो जाएगा 64 - x, क्योंकि ये टोटल 64 है, हम इसको x मान लिए ये हो जाएगा 64 - x। अब यहाँ से हम देख रहे हैं दो त्रिभुज बन रहा है, एक TRS और एक PRQ, तो चलते हैं त्रिभुज TRS से जहाँ के थीटा का मान 30 है तो 30 लिखेंगे और हमें लंब और आधार का उपयोग करना है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब tan थीटा का मान 30, लंब जो h है तो h लिखेंगे बटा आधार, इसका आधार हम लोग x माने हैं तो x लिखेंगे। अब tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, h बटा x क्रॉस गुना कर लेंगे तो x बराबर √3 h, और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब पुनः त्रिभुज PRQ से जहाँ थीटा का मान 60 है, अब यहाँ भी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा का मान 60, लंब इसका h है तो h रहने देंगे बटा आधार 64 - x है, यहाँ हम 64 - x, अब tan 60 का मान √3 होता है बराबर h बटा 64 - x, जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो h बराबर √3 64 - x, ये समीकरण 2 हो गया। अब इस x का जो मान है वो हम समीकरण 2 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से
एच बराबर रूट तीन 64 माइनस एक्स है, ये रूट तीन 64 माइनस एक्स की जगह हम लिखेंगे रूट तीन एच, गुना कर देते हैं रूट तीन से 64 में गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 64 रूट तीन माइनस रूट तीन से तो तीन और ये हो जाएगा एच, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस 64 रूट तीन, अब तीन और एक 4 एच बराबर 64 रूट तीन, तो एच बराबर 64 रूट तीन बटा एच कट जाएगा तो 16 चौका 64 अर्थात ये 16 रूट तीन मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।